चारिन पाठक धन्यवाद अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय संविधान की धारा 112 एंड 110 के अनुसार अंतर्गत जिसे मेरे नेता प्रतिपक्ष के उन्होंने कहा कि हमारा उत्तरदायित्व है ये प्रतिपक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ हमारा सहयोग भी है। प्रतिपक्ष चाहे तो फाइनेंस बिल पर मतदान करा करके सरकार को गिरा सकता है, पर वो हमारे प्रतिपक्ष की नेता की इतनी जिम्मेवारी है और हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसको निभाना चाहते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय प्लीज प्लीज वित्त विधेयक की कुछ बातों पर आने से पहले मैंने मन में कुछ और सोचा था। प्लीज बी साइलेंट। मगर जब परमादरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने वित्त विधेयक को सदन के सामने रखने से पहले जो आंकड़े और आंकड़े के बाद जो सारी बातें हमारे सामने रखी, मुझे उसमें से पहले एक शब्द पर से ही अपना प्रवचन अपना वक्तव्य अपना छोटा सा थोड़ा सा अर्थशास्त्र पर कहीं प्राप्त किया हुआ ज्ञान और मेरी कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि टैक्स रिफॉर्म इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है और हमारी सारी समस्याओं का निराकरण टैक्स रिफॉर्म पर ही है। अब मैं उसी टैक्स रिफॉर्म पर ही अपनी बात करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि कृपया शांत रहें। मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय और वित्त मंत्री जी और हम सब जानते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हम सबकी प्राथमिकता है किस देश का आम आदमी वो खुशहाल हो। 62 साल की आजादी के बाद प्रजातंत्र के बाद आपने जो गिनाए वो स्रोतों के बाद नेचुरल रिसोर्सेस के बाद जो देश की स्थिति है उस पर आने से पहले मैं आपके ही बजट के जिसमें आपने स्पष्ट बात कही है आखिरी बजट जो स्पीच आपने रखी आपने कही संसद में तब आपने भी अपनी मंशा बताई जो हमारे सबके मन में है। पेज 29 के पैरा 188 में आपने पूरा बजट का हार्द हमारे सामने रखा। आपने क्या कहा वित्त मंत्री जी, जिसको लेकर आप चुनाव में वोट लेकर बार बार जीतते आते हैं और अभी मैं कोट करना चाहूंगा वित्त मंत्री जी के 2010-11 के बजट का पैरा 188। द बजट बिलोंग्स टू आम आदमी, ये बजट आम आदमी के लिए। इट बिलोंग्स टू द फार्मर्स, द एग्रीकल्चरिस्ट, द एंटरप्रेन्योर्स एंड द इन्वेस्टर्स। अपॉर्चुनिटी इज ग्रेट, लंबा पैराग्राफ है, कुछ 2-3 दिनों से मुझे गले में तकलीफ है। मैं कहता हूं कि आपने कहा और हम सब मानते हैं कि हमारा जो मेन थ्रस्ट है वो आम आदमी। अब आम बस इतनी तकलीफ होगी कंक्लूड करूंगा। प्लीज प्लीज इतनी तकलीफ अभी दो वाक्य में अपना बात करो। नहीं नहीं लाल सिंह इतना तकलीफ हो गई अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने, इतने की चिंता मत करो। आम आदमी की क्या स्थिति है वो शायद सरकार को मालूम नहीं है। कल हमने कोशिश की आम आदमी से जुड़ी हुई समस्या को लेकर और जो जिसके साथ किसान जुड़ा है
जिसके साथ इस देश की 90% से भी ज्यादा जनता जुड़ी है, उस बात को लेकर कल हम संसद में आम आदमी की बात करने आए थे कटौती प्रस्ताव लेकर जी। और न जाने क्यों लालू जी, आपका नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, मगर सरकार के प्रभाव में, सीबीआई के दबाव में और कुछ हमारे साथी पक्षों की गरीबों के प्रति निष्ठा के अभाव में कल ये सरकार बच गई, वरना आम आदमी की बात देश के कोने कोने तक जाती। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो भाव बढ़ा है उस पर हम एक हो जाते कल, तो किसान भी खुशहाल होता, आम आदमी भी खुशहाल होता। प्लीज कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं, मुलायम सिंह जी कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। पर उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन का और विशेष करके हम सबके जो आप बात करते बुरा नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन की भावना को व्यक्त करते हुए मैं लालू जी मैं वही बोल रहा हूँ, पता नहीं कल रात से आप तकलीफ में हो। अब आपका नाम का उल्लेख नहीं दूंगा, आप मेरे परम मित्र हैं, वरिष्ठ। मैं सदन के सामने एक ही बात रखना चाहता हूं कि आपने टैक्स रिफॉर्म की बात कही, बजट में उसकी चर्चा हुई। मैं कोई अर्थशास्त्री का विद्यार्थी नहीं हूं, मगर मैं कहूंगा तो दोबारा अर्थ निकलेगा, आम जनता से जुड़ा हुआ लगातार 7 बार चुनाव जीत कर संसद में आने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। आपने जो टैक्स का स्ट्रक्चर बनाया, मेरे पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और कुछ मुझे भी संस्कृत पढ़ने का मौका मिला। मैंने कहा कि मैं सारी पुस्तकें लेकर आता, चाणक्य के एक एक नीति सूत्र का, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, विष्णुगुप्त के धर्मशास्त्र का, उसका पूरा तीन शास्त्रों का उल्लेख कर सकता था, अगर उसमें फिर मुझे बाकी मुद्दे मेरे रह जाते। ये जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर आपने बनाया है, कृपया करके उस पिलर को, ये जो बनाया है वो आम आदमी के लिए नहीं है, वो पैसे वालों के लिए है, उस पिलर को उल्टा कर दो, तभी तो फायदा होगा। अभी स्थिति क्या है, जो 8 लाख से ऊपर कमाएगा यानी जिसकी इनकम, हेलो जी अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, हम सबकी 8 लाख रुपया है, सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा। 8 लाख रुपया यानी 80,000 कमाने वाला, उसको 51,500 रुपये का फायदा होगा। सुनो यार, सांसद को बाजू, मैं आम आदमी की बात, अब उसको 51,000 का मतलब हुआ 4,500 रुपया। अब जो आदमी 80,000 रुपया प्रति मास कमाता है, अगर उसको 4,500 मिले न मिले उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 5 लाख वाले को 20,000, और वो जो सबसे नीचे ये सब बैठे हैं, ये जो मेरे साथी सहयोगी 12,000, 15,000, 16,000, इसको प्लीज मेरी प्रार्थना है कि इसको आप गंभीरता से लीजिए, एक विषय गंभीरता से मैं रखना चाहता हूँ, एमपी को मत जोड़िए इसमें। करोड़ों 90 करोड़ लोग हैं जिनकी स्थिति आज दयनीय है,
उनको आपने सबसे ज्यादा सबसे कम फायदा करवाया। चाणक्य का कहना यह है कि पैसे वालों से ज्यादा लो और गरीब को ज्यादा दो और गरीब से ज्यादा मत लो। 1,60,000 से 3,00,000 वाले हजारों 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 सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, छोटे छोटे कॉरपोरेशन में काम करने वाले कर्मचारी जिसकी 15,000-16,000 तनख्वाह है, ये 1,60,000 से 3,00,000 में कोई फायदा नहीं। आम आदमी इसमें आता है। 5,00,000 वाले को मैं आम आदमी नहीं कहता, जिसकी महीने की तनख्वाह 50,000 है वो आम आदमी नहीं है, मेरी पार्टी उसको आम आदमी नहीं मानती है। 8,00,000 कमाने वाले को आम आदमी नहीं मानती। मैं आपसे जानना करबद्ध प्रार्थना करके उपाध्यक्ष महोदय आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बताइए 3,80,000 जो टैक्स पेयर है उसमें से 8,00,000 से ऊपर कमाने वाले कितने हैं टैक्स भरने? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पिलर है, प्लीज ये बार बार आप क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हैं? मत बोलो एमपी, 90 करोड़ की बात करते हैं, बढ़ाएगी तनख्वाह बढ़ानी तो आप प्रपोजल रखिए। ये जो हमारे मध्यम गरीब वर्ग के लोग, सामान्य नागरिक, छोटे कर्मचारी, उसे कोई फायदा नहीं। 1,60,000 से 3,00,000 में कोई फायदा नहीं, 3 से 5 में फायदा, वो भी 5,80,000 से कम फायदा। मेरी ज्यादा समय नहीं लूंगा, करबद्ध यही प्रार्थना है, मेरा अनुभव है, आप भी पूछोगे सोचोगे, आईएएस और ये वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के पंजे से निकलोगे और आम आदमी की बात सोचोगे तो आपको भी पता लगेगा कि हमें ज्यादा रियायतें, ज्यादा राहत देनी चाहिए उस छोटे आदमी को, कि जिस आदमी को इसकी जरूरत है। आप लिमिट बढ़ा दीजिए अपनी बात को, इसको ज्यादा न खींचते हुए लिमिट बढ़ा दीजिए। लिमिट बढ़ जाएगी तो ये जो छोटे छोटे हैं अब वो पैसे वाले में भी नहीं गिने जाते, मध्यम वर्ग में भी नहीं गिने जाते। 16,000 है, मेरे वहां काम करता है 15-16,000 गुजरात भवन में, उसकी 15,000 है, वो 3,60,000 से 3,00,000 के बीच आ गया। 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा उनका ठीक तरह से नहीं है, दवाई करनी है, स्कूल भेजना है, अब उसको 10% तो देना पड़ेगा, 10%। मेरी यही प्रार्थना है, कृपया गंभीरता पूर्वक सभी सदन के साथी मेरे सहमत होंगे, कांग्रेस के भी, इस पिलर को आप उल्टा कर दीजिए, यही एक सॉल्यूशन है। पैसे वालों को अगर 4,500 के बदले 500 टैक्स भरना पड़े, फायदा होगा तो चलेगा, टैक्स बढ़ेंगे, मगर जो गरीब है बिल्कुल, उसे 1,000-1,200 के बदले उसे ज्यादा टैक्स में रियायतें दीजिए। सीनियर सिटीजन भूल गए, वृद्धाश्रम खुलते जा रहे, बहने भूल गए, वही 190, वही 240 सीनियर सिटीजन, क्या महंगाई उसको नहीं लड़ती, महंगाई उसको असर नहीं करती? हम सीनियर सिटीजन के ऊपर तो पूरी अमेरिका की सरकार बनती है, वरिष्ठ नागरिक के लिए। बहनों पर तो हम यहां संसद में इतना बड़ा बात करके बैठे हैं, वो छूट गए। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आम आदमी को देखते हुए, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, सीनियर सिटीजन्स आज जो स्थिति समाज की बनी है, हमारे लालू जी, मुलायम जी वगैरह, यादव जी कहते हैं, सही कहते हैं, हमारी पार्टी भी कहती है, आज जो पश्चिमीय अनुकरण देश में आया उसके कारण संयुक्त परिवार टूटते जाते हैं। एक अखबार है, मैं पढ़ता हूँ रोज सभी अखबार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए संस्थाएं बनने जा रही हैं, बच्चे निकाल देते उन्हें घर से। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि एक टैक्स स्ट्रक्चर पर आप जरा दोबारा सोचिए, जिसके कारण ये
आम आदमी, गरीब की बात तो बहुत हो चुकी है, मैं नहीं करूंगा, क्या स्थिति देश में गरीबों की है, मगर सिर्फ मैं क्योंकि आई नो, कृपया कृपया शांत रहें, बोलने दीजिए। मैं सुन जी, क्या प्लीज इस तरफ आसन तरफ देख के बोले, गरीब की चिंता नहीं करता तो मैं सात बार संसद में नहीं आता। हाँ, आगे बैठो, गरीब रहते हैं मेरे वहाँ, मैं अपना बात के उस इलाके में और उस किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहाँ गरीब बसता है, मैं कोई पैसा वाले का नहीं करता, अहमदाबाद के उस इलाके का। आप क्या समझते हो गरीबों की चिंता, मैंने गरीबी देखी है एक गरीब शिक्षक के बेटे के नाते, मैंने गरीब दलितों को पढ़ाया है। आसन की तरफ देख के बोले, उधर नहीं, पहली बार चुनाव जीत कर आते हो और गरीबों की बात करोगे आप, उधर मैं आप सबकी बात करता हूँ, आप भी कहिए गरीबों की बात, आपकी बात मैं आपसे आपस में टोका टोकी नहीं, मैंने कोई आक्षेप दादा मैंने कोई आक्षेप नहीं किया, मैंने कोई असंसदीय भाषा का मैंने 20 साल में उपयोग नहीं किया, सिर्फ वही बात बता रहा हूँ जो हमारे मन में है। आपने भी कही है कि गरीब के बारे में सोचे, मध्यम वर्ग के बारे में सोचे, तो इस पिरामिड में थोड़ा सा चेंज करके, बदलाव करके उसकी लिमिट बढ़ा दीजिए तो बढ़ती हुई महंगाई में थोड़ी उन्हें राहत मिलेगी। ये मेरा मेन बात करनी आपसे यही थी। दूसरा मेरा मुद्दा है कि हमने बजट में आपने आपको मौका मिलेगा तो आप बोलिएगा, ये जो मैं चार पांच मुद्दे पर ही बोलूंगा, आप चिंता मत करो, हाँ मैं बोलने वाला हूँ, ऐसे कोई ये कोई पहला साल थोड़ा है ऐसा बहुत है। ये मजाक में लेते हैं, ना, आप तब भी मत, मैं उस गरीबों की बात करना चाहता हूँ, नहीं होगा तो मैं चुप बैठूंगा, इधर भी गरीबों का बात कर सकते, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, न अपनी कोई ऐसी बात कही जिससे किसी को दुख हो जाए, कोई अच्छे सुझाव दे वो भी पसंद नहीं आपको, गरीबों के लिए दे तो टोका टोकी चालू हो रही है, कुछ बोले बगैर मैंने कोई शब्द ऐसा नहीं कहा सरकार के खिलाफ, मैं गरीब की बात करता हूं तो क्या मुझे अधिकार नहीं है गरीब की बात करने का? अब जो बात आती है, मेरा दूसरा मुद्दा है फाइनेंस बिल पे, हमने हाउसिंग सेक्टर को, दादा ये थोड़ा टेक्निकल मुद्दा है, जो मुझे कहना था वो मैंने गरीब के लिए कह दिया, हाउसिंग सेक्टर में अगर आप फाइनेंस बिल को देखेंगे तो आपकी जो ये लाल किताब है, लाल किताब, उसमें मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन इन द फाइनेंस बिल 2010, उपाध्यक्ष जी मैं कुछ साथियों को समझा, आप समझाइए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बजट एंड फाइनेंस बिल, आई एम स्पीकिंग ऑन फाइनेंस बिल, अब फाइनेंस बिल की पर मुझे बोलना है, भाषण नहीं करना है, इसलिए फाइनेंस बिल पर बड़े टेक्निकल पॉइंट्स आएंगे जो पॉइंट में रखना चाहूंगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। सर मैं हाउसिंग सेक्टर पर वित्त मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, हाउसिंग सेक्टर में आपने पेज 21 फाइनेंस बिल का और उसमें रोमन 2 में पॉइंट 5 में आपने कहा कि 10 लाख की जो लोन होगी उस पर मैं 1% इंटरेस्ट माफ करूंगा। जहां तक मैं समझता हूं और मैंने देखा है कि आज तक क्या आज तक 10 से 20 लाख के लोन पर आप 10% टैक्स लोगे, 10 लाख की जो आदमी 20 लाख का, अगर मैं समझाना कुछ की कोशिश कर रहा हूं, टेक्निकल थोड़ा सा है, 20 लाख का जो घर बनाएगा अगर वो 10 लाख की लोन लेता है तो उसे 1% उसमें आप रियायत दोगे, यानी 10,000 का फायदा होगा 20 लाख के मकान बनाने वाले। आज तक क्या होता था कि जब मकान बनाते थे तो उसको धीरे धीरे करके हम इंस्टॉलमेंट देते थे, अब 20 लाख की लोन पर उसे
जहां तक मेरा ज्ञान है अर्थशास्त्र का और आपका सही है जो लिखा है, हम जो आपने जो टैक्स बनाया है ना, उसमें से जो मकान बनेगा उसका 2/3 है वो अभी भी आपके बजट में जो कीमत होगी उसका 2/3 हिस्सा वो रिलीफ में आता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। 1/3 जो बचा, आज तक नहीं था यशवंत जी, 1/3 बचा, दैट इज 3.40%, उस पर टैक्स लगेगा और वो टैक्स होगा 66,610। 10,000 की फायदा करवाया और 66,000 ले लिया। ये भी थोड़ा आप बाद में उस पर आप थोड़ी चर्चा भी कर लीजिएगा कि ये कैसे 66,666 इतने रुपये का उसको टैक्स देना पड़ेगा, अभी तक नहीं था। और आपने कहा है कि मैं हाउसिंग सेक्टर में करीबन 3,000 करोड़ का मुझे ये जो आपने 25 नई सर्विसेज डाली है, 25 नई सर्विसेज पर सर्विस टैक्स डाला गया है। मुझे कभी तो आश्चर्य होता है, मुझे पहली बार मैं आता हूं उस मुद्दे पर कि जो सर्विसेज है उसमें, प्रणव दादा मैं आपसे एक अपने भाई के नाते सीधी बात करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय नहीं करनी चाहिए संसद में, रिट्रोस्पेक्टिव यानी पिछले कई सालों की आज भूतलक्षी पूर्वलक्षी, दो एक में 2003 है वो बाद में आता हूं, एक है 2007 में, 2007 का रिट्रोस्पेक्टिव कभी कोई टैक्स रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। अगले साल से आप लीजिए, प्रोस्पेक्टिव करिए, ये रिट्रोस्पेक्टिव है। तो मैं यही चाहूंगा कि ये रिट्रोस्पेक्टिव जो आपने लिखा है वो 25 में से 8 ऐसी आपकी नई सर्विसेज है जिसमें आपको, अगर मैं कोई 8 या 7 जो भी हो आप उसे सुधार सकते हो, रिट्रोस्पेक्टिव कभी कोई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि वो मकान, कोई आदमी व्यक्ति मकान किराए पर देगा, वो किराए पर जो अपना घर देगा तो वो घर का किराया जो आएगा वो 10 लाख से ज्यादा आएगा, तो वो किराया पर उसको टैक्स लगेगा और वो भी लालू जी रिट्रोस्पेक्टिवली। अब किराएदार भाग गया, किराएदार चला गया, वो किराएदार कब का निकल गया है, कैसे रिट्रोस्पेक्टिव, किससे लोगे पैसा? दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है, आदरणीय दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट गेव अ वेरी बोल्ड वर्डिक्ट दैट रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट रेंडरिंग एनी काइंड ऑफ सर्विस। अगर आप किसी को घर किराए पे देते हो ये कोई सर्विस नहीं है, फिर भी हमने सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट को अंदाज करके धीरे से पीछे के दरवाजे से इसको डाल दिया कि चलो कोई बात नहीं, हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है हम डाल देते हैं कि नहीं मकान किराए पे दोगे उसके पैसे पर भी टैक्स लगेगा। तो ये रिट्रोस्पेक्टिव जो आपने डाला है उसे भी आप, मैं प्रार्थना करूंगा कि उस पर आप विचार करिए। और सबसे बड़ी बात मुझे कहनी है वो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ये थोड़ा अगत्य की बात मैं सदन के सामने गंभीरतापूर्वक रखना चाहूंगा, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल पेज 21.3, अगर कोई भी संस्था एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग, अनेक संस्थाओं हमारे देश में, तो कोई सरकार तो चलाती नहीं देश, ये सभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, कोई संस्था अगर ट्रेनिंग रिसर्च और ऐसे काम करती है कम पैसों में गरीबों के लिए, उस पर भी टैक्स लगाया गया। और उसमें आगे एक शब्द आपने गलती से उन लोगों ने लिख दिया, वो शब्द क्या है, वो शब्द है वेदर और नॉट। अगर मानो वो प्रॉफिट करती है कि नहीं करती है, तब भी प्रॉफिट करती है तो कुछ समझ में आता है, 5%
अगर वो संस्था प्रॉफिट नहीं करती है तब भी उस पर टैक्स लगेगा। ये हमारा देश है ना, गांधी जी के सिद्धांतों पर आज भी चलता है, कोई सरकारें देश नहीं चलाती। अनेकों अनेक लोग इस सदन में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं, जिसके पास कुछ दो पैसे हैं उनके आधार पर वही सब संभाल करके इस देश की 100 करोड़ 107 करोड़ की जनता को 11 लाख करोड़ के बजट से अगर ठीक होने वाला हो तो 62 साल हो गए। कब की इस देश में खुशहाली आ जाती? अभी भी 90 करोड़ पता नहीं हमें कि गरीब कितने हैं। एनसी सक्सेना कोई और रिपोर्ट देते हैं, तेंदुलकर जी कोई और रिपोर्ट देते हैं, मंत्रालय कोई और देता है। अभी बड़ा 50% लोग गरीबी की रेखा के नीचे। तो ये जो संस्थाएं हैं, तो मेरा यही नम्र निवेदन है कि वेदर और नॉट, ये नॉट वेदर अगर कोई प्रॉफिट नहीं करता है तो उससे टैक्स लेने का क्या मतलब? एक संस्थाएं चलाते हैं, प्रॉफिट करता है लीजिए, उसके सारे चौपड़े आप देखिए, उसके आप किताबें देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट देखिए। तो मेरा आपसे ये भी नम्र निवेदन है कि इसमें भी आपने, इसमें भी रिट्रोस्पेक्टिव, गांधी रिट्रोस्पेक्टिव 11/7/2003 से, ये रिट्रोस्पेक्टिव मेरी समझ में नहीं आता है, मैं विद्यार्थी हूं आपकी समझ में। 3 साल पहले 6 साल पहले का टैक्स वसूल करो, ये पूरा पूरा सदन गुमराह हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको भी अधिकारी गण गुमराह कर रहे हैं। ये अपनी हमारी वित्तीय परंपराओं को, इस सदन की गरिमा को यहां पर चोट पहुंचती है। हम ऐसा कोई कदम न उठाए जिसके कारण पिछले वर्षों के में कभी कोई हमें कोई फायदा मिलने वाला हो उसका इस बार हम उसका करें। जब मैंने पहली बार सदन में, आप कुछ मेरे मित्र मौजूद नहीं होंगे, चिदंबरम जी ने, आदरणीय चिदंबरम जी वित्त मंत्री थे, मैं भाषण सुन रहा था, वो कैश विड्रॉल टैक्स डाला, यानी आप अपने पैसों का टैक्स, यूपीए सरकार के उसके वित्त मंत्री ने, आप खुद के पैसे, एक नंबर के तनख्वाह के पैसे, मिले हुए पैसे जिस पर आपने टैक्स भरा है, उसको अगर आप बैंक में रख के विड्रॉ करोगे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सदन शांति से सुन रहा था, मैंने कहा क्या बात है, जोर से चिल्ला है, मैं कहा क्या हो रहा है इस देश में? दुनिया के किसी भी देश में मेरे खुद के 50,000 लाख पड़ा है, मैं 30,000 उठाता हूं तो मैं मुझे क्यों टैक्स देना पड़ेगा? टैक्स तो मैं दे चुका हूं। वो आपने बात मानी और पिछले बार चुनाव में फायदा उठाने के लिए 9 में फायदा उठाने के लिए 9 के बजट में प्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट दे दिया कि मैं 10-11 में 1 अप्रैल से एक कैश विड्रॉ टैक्स विड्रॉ करता हूं। तो कहीं आप प्रोस्पेक्टिव करते हो, लूटना है तब रिट्रोस्पेक्टिव करते हो। तो ये रिट्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्टिव के बदले में मैं आपसे यही नम्र निवेदन करूंगा कि आप प्लीज कृपया जरा इस 3-4 मुद्दों पर, मैं कोई दूसरी 2-4 मुद्दे हैं मगर मैं उस मुद्दों को लेना नहीं चाहता हूं। 60 लाख के ऊपर आपने जो LL क्या कहते हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी, अब देखिए लिमिटेड लायबिलिटी जो है ना वो 60 लाख के ऊपर आपने टैक्स नहीं रखा, 60 लाख फ्री है। जहां तक मैं उस शहर से आता हूं जहां लोग गुजरात के लोग व्यापारी हैं, अब कौन होगा जो 60 लाख के बाद ये कंपनी बनाएगा? ज्यादातर तो लिमिटेड और कंपनी में प्राइवेट पार्टनरशिप होती है या तो लिमिटेड कंपनी होती है, तो ये कन्वर्ट होने वाली नहीं है। 60 लाख क्यों, कोई नहीं करेगा, वो प्राइवेट बना देगा 3 परिवार के सदस्यों को प्राइवेट कंपनी। तो वो जो आपका उद्देश्य है, मैं इन शॉर्ट कहना चाहूंगा, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। 3-4-5 मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए, सदन का ज्यादा समय न लेते हुए, फिर एक बार दोबारा मैं कहना चाहूंगा, आम आदमी पीस रहा है, आपका बजट आम आदमी के खिलाफ है, आपका बजट किसानों के खिलाफ है, आपका बजट इस देश की 90 करोड़ से ज्यादा जनता के खिलाफ है, आपका पूरा स्ट्रक्चर से लेकर के सब
पूरा स्ट्रक्चर, पूरी आपकी को आर्थिक सोच सिर्फ राजनीतिक सोच है, मतदाता की सोच है, वोट कैसे मिले, पैसों वो शांत रहे। ये पूरी बजट की प्लेस सेट डाउन। मेरी आम आदमी के लिए बोला तो बोलने नहीं दिया। I spoke 20 minutes. You did not allow me to speak. Please. Not at all. I spoke. Place it down. आप अपने I spoke 25 minutes on आम आदमी. You disturb. Please. पच्चीस मिनट तक बोला आम आदमी पर, आपने मुझे नहीं बोलने दिया। आम आदमी की आज बात करता हूँ तो नहीं करता हूँ। प्लीज तो ये बजट ये पूरा बजट और किसी का रिकॉर्ड नहीं जाएगा, इनका सिर्फ जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। मैंने वही तो कहा, 8 लाख रुपया कमाने वाला कौन है? आम आदमी है। मैंने उसका विरोध किया, कॉर्पोरेट सेक्टर का विरोध किया, मैंने पैसों वाला का विरोध किया, मैंने आम आदमी की तरफदारी की सदन में अंदर। आप उसका फेवर करते थे, आपने मुझे टोका, आपने मुझे टोका, आपने मुझे टोका। मैं तो कहता हूँ कि 8 लाख वालों को बस यही मुझे कहना है। एक यूपीए की सरकार आम आदमी के नाम पर कभी नहीं 2004 में चुनाव जीतती है, 2009 में चुनाव जीतती है। आम आदमी पिस रहा है महंगाई के चक्कर में। इन्फ्लेशन की बात करते हो आप, मुझे इस फिगर में नहीं जाना है। इन्फ्लेशन 1.2 और 1.6 आप कहते हो, मैं लाया 1.3। अब देखिए, पहली बार देश के अर्थशास्त्रियों के समझ में नहीं आया, इन्फ्लेशन बढ़ता है तब भी महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन माइनस होता है तब भी महंगाई बढ़ती है। मैं नहीं मानता किसी विश्व के देश में ऐसा होगा जहां इन्फ्लेशन बढ़े तब भी महंगाई बढ़े, इन्फ्लेशन कम हो जाए तब भी महंगाई बढ़े। और इसके लिए हमारे पास जवाब नहीं है और हम पीठ थपथपाते हैं। इन्फ्लेशन हैज कम डाउन फ्रॉम 4% टू 2%, 2% टू, अरे 0% था तब भी महंगाई बढ़ी, पूरे देश में लोग बढ़ रहे थे महंगाई में। ये आंकड़ों पर मत जाइए, नब्ज पकड़िए नब्ज। आपके बड़े विद्वान बैठे हैं पीछे, उनकी नब्ज पकड़िए, गरीबों की, मध्यम वर्ग की, जनता की, वो क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से ये देश का बजट बनना चाहिए। उसी के हिसाब से आपको जो जो भी फाइनेंस बिल में रियायत देनी है वो दीजिए। इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे समझ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।